भारी है ये, पता नहीं तुम भी क्या क्या सामान भर लेती हो। पता नहीं आंटी आती होगी। मैडम काय टेंशन ले रही हो, जब आज आ गई तो भोंपू समझ जाओ। बस ड्राइवर का कहना है कि बस का पहिया और स्टेपनी दोनों ही पंचर हो गए हैं और उन्हें ठीक करवा के लाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय तो लगेगा ही। तब तक आप सबका साहब जेका बात है, अब तो हमने होटल से चेकआउट कर लिया और अब बता रहे हैं कि 3-4 घंटा लगेंगे। बिल्कुल सर, दिस इज रॉन्ग। चलो भाई वापस रूम में चलते हैं। एक्सक्यूज मी, अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि होटल के कमरों की सफाई चल रही है और कुछ ही देर में दूसरा ग्रुप भी आता ही होगा। अरे तो तब तक हम कहाँ जाएंगे? जी आप लोग यहाँ लॉबी में इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए चाय पानी वगैरह भिजवाता हूँ। ले लग गई लड़का। चाय पानी ये हो गई, अब 3-4 घंटे तक हम क्या करें? और क्या यहाँ बैठे बैठे टाइम कैसे पास करेंगे? एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेल लेते हैं। अंताक्षरी? कौन से जमाने का खेल बता रहे हो आप? इट्स बोरिंग। अकॉर्डिंग टू GPS पंचर रिपेयर की दुकान 8 से 10 किलोमीटर दूर। अब बैठो यहाँ पे। लो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अपनी गाड़ी से चलते, तुम ही जिद पर अड़ी हुई थी। आम आदमी की तरह चलेंगे टूर्स एंड ट्रेवल से। देखिए क्या हाल होता है आम आदमी का। आदमी को हर स्थिति में मजा लेता आना चाहिए। देखना इस इंसिडेंट को हम सब कितना एंजॉय करते। क्या आंटी आप भी। जज साहब अब तो फैसला सुनाइए। जज साहब अब तो उठिए, केस की सुनवाई पूरी हो चुकी, अब तो फैसला सुनाइए। सुनवाई? फैसला? अरे भाई यहाँ कौन से केस का फैसला हो रहा है? उठिए जज साहब, फैसला सुनाने का समय आ गया। यहाँ कौन सी अदालत चल रही है? हम लोग होटल की लॉबी में हैं या फिर कोर्ट में? हाँ ये मामला क्या है? जज साहब तमाम तथ्यों और गवाहों के बयानों से परे सच्चाई को देखते हुए अदालत ये फैसला सुनाती है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी कृत्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी को हानि या क्षति पहुंचाता है अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि गुनाह को अंजाम देने के लिए व्यक्ति के अलावा भी बहुत सी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। इसलिए जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है वो तो सजा का हकदार है ही, बल्कि वो व्यक्ति भी सजा का हकदार है जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण उसे गुनाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ऐसे तो बहुत गंभीर लिस्ट हो जाएगी, किस किस को सजा सुनाएंगे आप? और उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए वकील साहब जो गुनाहगार है। जब तक एक व्यक्ति भी बचता रहेगा गुनाह पनपता रहेगा। क्या बात है, जज साहब ने बड़ी शानदार बात कही है साहब, मजा आएगा। लेकिन ये मामला क्या है यार, चल कर आया पर। चुप रहो, फैसला तो सुनने दो। फैसला? कौन से केस को फैसला है? आई डोंट नो। मैं बताता हूँ। अरे भाई जिससे संबंधित बात होगी उसको पूछोगे तभी तो पता चलेगा। हाँ ये आपने ठीक कहा। दरअसल हम लोग वही खेल खेलते हैं जो काम हमने सारी जिंदगी किया है। मैं पेशे से वकील रहा हूँ, ये मेरे काबिल दोस्त सरकारी वकील और ये जज साहब, अब हम तीनों रिटायर हो चुके हैं। हमने सारी जिंदगी अदालतों में अपने मुवक्किलों के केस लड़े हैं, इसलिए इसके सिवाय हमें कुछ आता भी नहीं। हाँ कुछ सच्चे केस लड़े, कुछ झूठे केस लड़े, कुछ में फैसला हमारे पक्ष में हुआ तो कुछ में हमारे खिलाफ भी हुआ। जाहिर सी बात है एक मुकदमे में अगर एक पक्ष हारता है तो दूसरा जीतता है। और कभी कभी इंसाफ हार जाता है। हाँ क्योंकि कानून की इतनी पेचीदगियां हैं, उसमें इतने मोड़ हैं कि पता ही नहीं चलता कब और कैसे मुजरिम जो है वो निकल जाता है। वकील साहब कानून के हाथ चाहे कितने भी लंबे क्यों ना हो, ये गलियां इतनी पतली और इतनी संकरी होती हैं कि कानून के हाथ वहां पहुंच ही नहीं पाते। मेरी तो सारी जिंदगी इसी जद्दोजहद में गुजर गई कि जब मैं जानता हूं कि मेरा मुवक्किल दोषी है तो मुझे उसका केस लड़ना चाहिए या नहीं। आप फिर भी आप केस लड़ते थे क्योंकि ऐसे ही मुवक्किलों से आपको मोटी फीस जो मिलती थी। और आप ज्यादातर सरकारी केस इसलिए हार जाते थे क्योंकि आपको उनकी फीस बहुत कम मिलती थी। केस को कमजोर करने के लिए दूसरे पक्ष से इन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाते। ये सरासर झूठा इल्जाम है। नहीं नहीं मेरे काबिल दोस्त, इस बात को इतना सीरियसली ना लें। जज साहब ने तो जनरल बात कही है। ओह इंटरेस्टिंग।
लेकिन भाई आप लोग करते क्या है? That's the point. हम किसी मुद्दे पर या किसी व्यक्ति पर केस चलाते हैं, केस बहस करते हैं, तथ्यों को खोजते हैं, हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हैं और उसके बाद हमारे काबिल जज साहब उस पर अपना फैसला सुनाते हैं, चाहे वो मुजरिम आपके सामने हो या ना हो। देख कभी कभी आजकल का जीव भी हमारे चंगुल में फंस जाता है। वकील साहब, ये आजकल का जीव आपके चंगुल में फंसता कैसे? बहुत सीधी सी बात है, या तो कोई खुद चल करके यहाँ आ जाता है, नहीं तो हम तीनों एक साथ मिलकर कहीं चले जाते हैं, जैसे कोई पार्टी या क्लब हाउस, जैसे आज यहाँ। हालांकि आजकल क्लब हाउसेज और पार्टीज में लोग हमारे इस खेल में शामिल होने से बचने लगे। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि हम बिना किसी लाग लपेट के निरपेक्ष भाव से तथ्यों को उजागर कर देते हैं और हमारे जज साहब बिना किसी लिहाज के सख्त से सख्त सजा सुनाते हैं। क्या बात है भाई, बड़ा ही अनूठा खेल है ये। हाँ साहब, टाइम पास करे वो जाते बढ़िया, कोई और तरीका ना। और इंटरेस्टिंग, एक्सक्यूज मी सर, क्या हम भी आपके साथ ये खेल खेल सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, मोस्ट वेलकम, हम तो यही चाहते हैं। देखिए हमारे पास बचाव पक्ष का वकील है, सरकारी वकील है और जज साहब भी है, हमें जरूरत है तो सिर्फ एक आरोपी यानी अभियुक्त की। बोलिए, कौन बनेगा अभियुक्त? भाई ऐसे ही किसी को आरोपी थोड़े ही बना सकते हैं, इसके लिए उसने कोई अपराध किया होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए, कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, कौन सी गलती गलती है और कौन सी गलती अपराध, यही तो इस खेल का राज है। ऐसे कौन अपने आप को अभी संभालने को तैयार होगा? अरे उसके मानने की चिंता आप मत कीजिए, वैसे भी कोई भी अपराधी अपना अपराध आसानी से स्वीकार नहीं करता है। और फिर वैसे भी अभी तो आरोपी यानी अभियुक्त ही तो बनना है, अपराध तो साबित होते होते होगा। हाँ अपराध है तो साबित हो ही जाएगा। लेकिन वकील साहब पहले ये तो साबित कीजिए कि अपराध हुआ भी है या नहीं। अरे तो आप किसी को सामने तो लाइए, उसका अपराध हम खोजेंगे और साबित भी कर देंगे। ओ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने किसी को भी लाकर खड़ा कर दे और आप उसे अपराधी साबित करें। यस, व्हाई नॉट। ऐसा कुछ नहीं है, आज तक अदालत में मैंने न जाने कितने आरोपियों को निरपराध साबित किया है। लेकिन फैसला तो अदालत ही करेगी ना वकील साहब। हाँ हाँ, मतलब मैं तो सिर्फ अपराध साबित करने की कोशिश करता हूँ। और मैं उसे निरपराध साबित करने की कोशिश करता हूँ। फिर तो आप इसी को भी चुनिए। तो फिर आप ही आ जाइए। अरे भाई हम तो धर्म के प्रचारक हैं, तो केस चलाने की हिम्मत है किसी की? ओहो, आप क्या कानून से ऊपर है? नहीं नहीं, सबसे ऊपर जनता है और जनता हमारे पीछे। सर इस तरह तो कोई नहीं मानेगा, कोई दूसरा तरीका ढूंढते। भाई मेरे ख्याल से केस अपराधी पर नहीं अपराध पर चलना चाहिए। हाँ, और अगर कोई आरोपी बनने के लिए तैयार नहीं होता तो कोई ज्वलंत मुद्दा तलाशिए या फिर कोई अपराध, क्योंकि अगर अपराध हुआ है तो उसके पीछे अपराधी भी होगा और अपराधी है तो उसे खोजना हमारा काम है। हाँ तो सर फिर ऐसा करते हैं, आज का सबसे बड़ा मुद्दा तो करप्शन और ब्लैक मनी है, उसी में से ले लेते किसी को। नहीं 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 यार, अरे एक से एक आरोपी आ जाएंगे और केस चलते चलते सदियां गुजर जाएंगे, फैसला फिर भी नहीं हो पाएगा। खैर हम क्यों बहस करें, ऐसा करते कोई दूसरा सब्जेक्ट चुनते हैं। क्यों ना इस ट्रैवलिंग एजेंसी वाले पर केस चलाते हैं। अरे यार परेशान कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, अंकल विषय तो ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सेंसेशनल। नहीं 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 नहीं, सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में हमसे कोई लेना देना हो। हाँ बात तो सही है, तभी तो मजा आएगा ना। और क्या? हाँ तो फिर ऐसा करते हैं, आज का न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर मिलेगा। हाँ न्यूज़पेपर देखते हैं, हम देखते हैं ना सर। बगल में मोड़ा, शहर में निबूड़ा निबूड़ा। संत आसाराम की जमानत की
हमारे पास कोई दूसरी न्यूज नहीं है। पीके ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पीके तो साहब अमंकू रिकॉर्ड तोड़ ले। सर्वे के अनुसार सामाजिक कार्यों में VIT कॉलेज के छात्र छात्रा सर्वाधिक जागरूक। हाईवे नंबर 8 पर दो कारों एक ट्रक की भिड़ंत में 5 मरे 2 घायल। खाली सड़क पर लाल थप्पे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। ये तो वही एक्सीडेंट है ना जो आते समय रास्ते में हुआ था। अरे हाँ, ये तो वही एक्सीडेंट है। बहुत ही खौफनाक एक्सीडेंट था। सड़क पर बिखरा खून देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। भारत में हर वर्ष 6.5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से 1,40,000 लोग मारे जाते हैं और 4-5 लाख लोग घायल हो जाते हैं। अरे बाप, इतने सारे लोग। हरिओम हरिओम। यस, 90% से ज्यादा एक्सीडेंट ह्यूमन मिस्टेक से होते हैं। अखबार के अनुसार कार में सवार चारों युवक शराब के नशे में थे और चारों एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। ये आजकल के लड़कों का तो बहुत ही बुरा हाल है। एक युवक की घटना स्थल पर मौत हो गई, दो गंभीर रूप से घायल है। मरने वाला युवक अपने माँ बाप की इकलौती संतान था और बहुत ही प्रतिभाशाली था। मरने की खबर सुनकर उसकी माँ बेहोश हो गई और पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी कार में सवार 3 व्यक्तियों की भी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हे भगवान, कैसी त्रासदी है। पर बेचारे उन माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने न जाने कितने अरमानों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जिस पर बीती है साहब वो ही जानता है, एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। जाने कैसी कैसी उम्मीदें लगी होती हैं एक परिवार की अपने बेटे से। बड़ा होकर बेटा परिवार और देश के लिए न जाने क्या क्या करेगा, लेकिन यही खत्म हो जाता है। अब कहते हैं ना, जन्म मरण परण सब उस ऊपर वाले के हाथ है। मौत जिस पल आनी होती है आती है, उसे कोई टाल नहीं सकता, भले हम कितनी ही कोशिश कर ले। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कमाल करते हैं वकील साहब, इसमें सहमत ना होने वाली कौन सी बात है। मौत को तो आने का बहाना चाहिए, वो तो जिस पल आनी है आती है, रुक नहीं सकती। और मौत के पास बहाना ना हो तो हम उसे उपलब्ध करा दें और सारी जिम्मेदारी भगवान पर डाल दें। लेकिन वकील साहब, मेरे कहने को आप जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं ऐसे बढ़ते सड़क हादसों के लिए। हम कैसे भला, इससे मेरा क्या लेना देना। हर आदमी यही कहता है कि मेरा क्या लेना देना, जबकि उसका लेना देना होता है। अरे तो आप बताइए ना, इनका क्या लेना देना इन हादसों से। हाँ हाँ बताइए बताइए, मैं तो कभी कोई गाड़ी चलाता नहीं और मुझे चलाना भी नहीं आता, फिर आप मुझे कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आपका मतलब है जो सड़क पर गाड़ी चलाते सिर्फ वही जिम्मेदार होते हैं इन हादसों के लिए। बिल्कुल। अब हाँ, कभी कभी पैदल चलने वाला भी जिम्मेदार हो सकता है। ओहो भाई, क्यों फिजूल की बहस में पड़े हो, खेल शुरू कीजिए। खेल खेल तो शुरू हो चुका है जनाब। का मतलब? और खेल शुरू भी हो गया, कब कैसे? अपराध का है, आरोपी कौन है? ये है आरोपी। लेकिन मैंने क्या किया? कमाल करते हैं वकील साहब, मेरा इससे क्या लेना देना। योर ऑनर, इससे पहले कि मेरे काबिल दोस्त इन पर आरोप लगाएं, मुझे बचाव पक्ष के वकील की हैसियत से अपने मुवक्किल की पैरवी करने और इनसे बात करने की इजाजत दी जाए। ओके, आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है और तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाए। थैंक यू योर ऑनर। आइए जनाब, आप जरा मेरे साथ आइए। लेकिन वकील साहब, चलिए तो सही, चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं, अरे कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ। तो इसका मतलब खेल शुरू हो गया है। मगर ये समझ में नहीं आया कि उस बेचारे को अभियुक्त क्यों बना दिया। अरे पर वो बात तो सही कह रहा था। हाँ, ये तो सदियों पुराना सच है, जन्म और मरण ऊपर वाले के ही कहा। यही तो एक ऐसा सच है जिसे ना तो इंसान जीत पाया है और ना ही जान पाया है। कैसे आरोपी बना सकते। जी ठीक कह रहे हो, कम से कम हमारी जान छुटा।
तुम तो यार ऐसे कह रहे हो जैसे कि सचमुच की अदालत में केस चल रहा हो। खेल ही तो है, अपन सब एंजॉय करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मानवेंद्र। देखिए मानवेंद्र जी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ। वो आपसे कुछ भी उगलवाने की कोशिश करे, आप जरूरत से ज्यादा मत बोलना। मतलब ये कि वो आपसे जो सवाल पूछे बस उसी का जवाब देना, फालतू एक लफ्ज मत बोलना, वरना वो बाल की खाल निकाल कर उल्टे आप पे आरोप साबित कर देगा। क्या क्या आरोप साबित कर देगा? हाँ। कमाल है वकील साहब, आप भी कमाल करते। मैंने ऐसा किया क्या है? मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, कोशिश करता हूँ कि हमेशा नियमों का पालन करूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए, बात बढ़ती दिखाई दे तो आप अपनी गलती स्वीकार कर लेना, उससे क्या कि आपको सजा कम होगी। गलती? सजा? लेकिन वकील साहब, जब मैंने कोई गलती की नहीं तो फिर सजा किस बात की? अरे आपने कुछ तो किया है, तभी तो सरकारी वकील साहब ने एतराज किया था। मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि जन्म मरण प्रण सब उस ऊपर वाले के हाथ है, इसमें गलत क्या है? अरे लेकिन हर बात जिसे हम सही माने वो सही हो, ये जरूरी तो नहीं। हाँ लेकिन इसमें गलत भी क्या है? ये मैं ही नहीं सारी दुनिया कहती है। खैर आप बहस छोड़िए, आपको तो जो मैंने कहा है ना बस उसका ध्यान रखिएगा। किस बात का? यही कि बात बिगड़ती दिखाई दे तो अपना अपराध स्वीकार कर लेना। अपराध स्वीकार कर लेना? कमाल है वकील साहब। चलिए ये खेल ही तो है ना, देखते हैं वो वकील साहब ऐसा क्या सिद्ध करते हैं। वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, इतनी आसानी से वो कुछ भी नहीं उगलवा पाएंगे, कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। छोड़िए छोड़िए वकील साहब, चलिए चलकर खेल का मजा तो ले। चलिए आइए 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 आइए। क्या बात है, 10 मिनट पूरे होने से पहले ही आप लोग आ गए। आपके मुवक्किल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया क्या? नहीं, इनका कहना है कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। जी हाँ, या यूं कहें कि इन्होंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिसे आप अपराध की श्रेणी मिला सकते। ये तो अभी पता चली जाएगा कि इन्होंने कुछ किया है या नहीं। अरे पहले जज साहब को तो जगाइए। भाई जज साहब का मामला मजेदार है, बात करते करते बीच में ही सो जाते हैं। इन्हें देख करके लगता है जैसे कानून सो रहा है। नहीं नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जज साहब जब जागते हैं ऐसा फैसला सुनाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जज साहब फैसला सुनाने में बहुत कठोर है। कठोर है मतलब? मतलब ये जो बात आपको बेहद मामूली लगती है उसमें भी कठोर से कठोर सजा मिल जाती है। कठोर सजा से क्या मतलब है आपका? आजीवन कारावास या मौत से भी कठोर सजा। लेकिन मौत से भी कठोर सजा क्या हो सकती है वकील साहब? ये तो केस का फैसला होने पर ही मालूम पड़ेगा। अरे आप लोग तैयार हैं? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस योर ऑनर। आरोपी तैयार है? यस योर ऑनर। खटघरे में बुलाया जाए। यस योर ऑनर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तमाम कानून और कोशिशों के बावजूद भी हमारे देश में सड़क हादसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। किसी भी सड़क हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मरता बल्कि उसका पूरा परिवार भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। इन हादसों में मरने और घायल होने वाले लोगों के साथ अगर उनके परिवार वालों को भी शामिल कर लिया जाए तो वो संख्या किसी भी बड़े शहर की जनसंख्या से ज्यादा होगी। यानी कि हम हर साल सड़क हादसों से पीड़ित लोगों का एक बड़ा शहर बसा रहे हैं। ऐसा शहर जहां अपने किसी प्रिय को खोने का विलाप है, घायलों की कराहटें हैं या फिर उनकी तीमारदारी करते लोग हैं। और इन सब का सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के लोगों की नकारात्मक और लापरवाह सोच, और इन जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं ऐसी सोच को बढ़ावा देने के लिए। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड, मेरे काबिल दोस्त का ये कहना कि ये सोच ही जिम्मेदार है हादसों को बढ़ावा देने के लिए सरासर गलत है। हाँ ये सोच भी जिम्मेदार हो सकती है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। चलिए ये मान लेते हैं कि ये सोच भी जिम्मेदार है इन हादसों के लिए। मान लेते हैं नहीं, अगर ये सोच भी जिम्मेदार है तो कितनी जिम्मेदार है ये आपको अभी साबित करना होगा वकील साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अभी साबित करते हैं। हाँ तो मिस्टर हाँ तो क्या कह रहे थे आप? मैं तो यही कह रहा था कि जन्म मरण प्रण सब उस ऊपर वाले के हाथ है। हाँ और
और मौत जिस पर आनी होती है आती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? वैसे क्या आज तक यही सुनते आए हैं? सुनते आए हैं या जानते हैं? जान तो मैं कैसे सकता हूँ। यानी कि आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर ऐसा कह रहे हैं? आप करते क्या है? मैं एक आश्रम चलाता हूँ और वहां आने वाले लोगों को व्याख्यान और प्रवचन देता हूँ। मतलब आपने हिंदू धार्मिक ग्रंथ तो पढ़े होंगे? हाँ बिल्कुल पढ़े हैं, जैसे गीता, रामायण, वेद पुराण वगैरह। हाँ सब पढ़े हैं, और उन्हीं के आधार पे मैं प्रवचन देता हूँ। हाँ तभी आप कह रहे थे जन्म मरण परण, परण यानी शादी ब्याह, ये तो आजकल के युवाओं ने अपने हाथ में ले लिया। और ये किस ग्रंथ में लिखा है कि जन्म और मरण विधाता के हाथ में? गीता में इस बात का उल्लेख है। क्या क्या लिखा है गीता में? लिखा है प्रकृति स्वावस्तम विस्तृ जा भी पुनः 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 भूत ग्रामीणम कृष्णम वशम प्रकृति वशात। अर्थात अर्थात विराट जगत मेरे अधीन, वो मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। मेरी इच्छा से? चलिए एक मिनट के लिए आपकी बात मान ली ले, पर इसका ये अर्थ कहां निकलता है कि आदमी स्वयं गलती कर मौत का शिकार बने और जिम्मेदारी भगवान पर डाल दे? देखिए वकील साहब, जब भी कोई व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेता है तो विधाता उसकी मौत का समय निश्चित कर देता है और जिसे टाला नहीं जा सकता। हाँ ये जरूर है कि उस व्यक्ति को स्वयं इस बात का पता नहीं होता कि उसकी मृत्यु कब होना निश्चित है। आपका मतलब विधाता मौत निश्चित कर देता है? चलिए एक मिनट के लिए ये बात भी आपकी मान लेते हैं, तो क्या इसका यह अर्थ निकलता है कि पोटेशियम साइनाइड जैसा जहर खाकर भी कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है अगर उसकी मौत का समय नहीं आया तो? नहीं। तो क्या यह मान लिया जाए कि पोटेशियम साइनाइड खाकर के मरने वाले की आयु इतनी ही लिखी थी और उसने भगवान की इच्छा से जहर खाया था? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दुनिया के किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि व्यक्ति स्वयं अपना जीवन छीन सकता है। इसे आत्महत्या कहा गया है और आत्महत्या करना महापाप की श्रेणी में आता है। यानी कि अगर व्यक्ति जानबूझकर अपना जीवन समाप्त करता है, मौत की आगोश में जाता है, तो उसे हम आत्महत्या कहते हैं और भगवान की इच्छा से नहीं होता, इसलिए उसे महापाप की श्रेणी में डाला गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। इसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। हाँ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है। आत्मा क्या होती है और उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है और नहीं होता है तो वो कहाँ भटकती रहती है, क्यों भटकती रहती है, ये सब वो रहस्य जिन्हें मानव समाज तो आज तक नहीं समझ पाया। पर मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है, और सुनिएगा, अगर कोई एक व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसा कुछ कहता है या करता है जिससे अन्य व्यक्ति आत्महत्या के लिए तत्पर हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जो किसी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होता है, हाँ, वो भी महापाप का भागी होता है। कानून भी उसे अपराधी मानता है। वकील साहब, इसका मतलब आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं क्या? ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मेरे मुवक्किल ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे ये साबित किया जा सके कि उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ऑब्जेक्शन ओवरल्ड। देखिए इनका प्रवचन सुनने आने वाले लोगों की इन पर अगाध श्रद्धा है ना? हाँ बिल्कुल है। इनके द्वारा कही गई किसी भी बात को लोग शास्त्रानुसार कही गई बात मानते और भरोसा करते। ठीक, बिल्कुल ठीक। अभी आपने कहा कि अगर व्यक्ति अपनी गलती से या अपने गलत कर्मों से अपना जीवन समाप्त करता है या मौत की आगोश में जाता है तो उसे आत्महत्या कहते हैं। आपकी भाषा में कहें तो अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी वो भगवान की इच्छा से नहीं अपनी इच्छा से मौत को चुनता है। बिल्कुल। तो क्या शास्त्रों के अनुसार ऐसा कोई पैमाना या मापदंड है जिससे यह पता किया जा सके कि कौन व्यक्ति अपनी गलती से अपनी वजह से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ और कौन व्यक्ति भगवान की इच्छा से अकाल स्वाभाविक मृत्यु से मरा? नहीं नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मौत चाहे वो किसी भी उम्र में हुई वो स्वाभाविक मृत्यु है या अकाल मृत्यु, ये पता करना असंभव। जब आप ये पता ही नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति अपनी गलती की वजह से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ और कौन व्यक्ति भगवान की इच्छा से स्वाभाविक मृत्यु से मरा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जन्म और मरण विधाता के हाथ में? वो सब ऐसा ही कहते हैं। सब ऐसा ही कहते हैं।
सब ऐसा ही कहते हैं, इसलिए आप भी ऐसा ही कहेंगे, जबकि आप जानते हैं कि आपके सुनने और मानने वाले आपकी बातों को पत्थर की लकीर मानते हैं। लेकिन इन सब बातों का मेरे मुवक्किल के अपराधी होने से क्या संबंध है? संबंध है योर ऑनर। जिस तरह एक शिक्षक पर उनके छात्र भरोसा करते हैं, उसी तरह इन पर श्रद्धा रखने वाले लोग इनका भरोसा करते हैं कि ये उन्हें सही मार्ग दिखाएंगे, और अगर यही लोग गलत रास्ते दिखाने लगेंगे तो लोग गलत रास्तों पर चलने लगेंगे। लेकिन वकील साहब, हमने ऐसा क्या कह दिया? अभी आपने कहा कि जन्म और मरण विधाता के हाथ में, जबकि आपने माना कि ये सच नहीं है, यानी कि पूरा सच नहीं है। लेकिन इससे किसी का नुकसान भी क्या हुआ है? आपके इस कथन यानी अर्ध सत्य को लोगों ने पूरा सच माना, लोगों ने मान लिया कि वो सड़क पर गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलाए, शराब पीकर चलाए, कैसे भी चलाए, दुर्घटना होनी होगी तो होगी, मौत आनी लिखी होगी तो आएगी ही। यानी लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में आपने ये बात बैठा दी कि उनके करने से कुछ नहीं होता, जो करता है विधाता करता है। जितने भी लोगों के प्रिय सड़क हादसों में खो गए, वो यही सोचकर भरोसा करते हैं कि विधाता की यही मर्जी थी, किसी ने भी उस वजह उस कारण पर गौर करने की कोशिश नहीं की जिसके कारण वो दुर्घटना हुई, किसी ने भी उन गलतियों से सबक लेने की कोशिश नहीं की जो पल भर में हंसते खेलते इंसान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इन जैसे पढ़े लिखे यानी समाज में आदर्श व्यक्ति का दर्जा रखने वाले लोगों ने कभी यह सोचा है कि इनके द्वारा कही गई किसी की अधूरे ज्ञान से कही गई किसी भी बात का एक साधारण व्यक्ति पर क्या असर हो सकता है? क्या इनकी जिम्मेदारी एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा नहीं है? इन जैसे लोगों की ऐसी ही कई बातों से लोग अपने जीवन के प्रति लापरवाह हो गए, और इसी लापरवाह सोच की वजह से ना जाने कितने लोगों का जीवन समाप्त हो गया, और ना जाने कितने लोगों का जीवन नरक होकर रह गया। लेकिन वकील साहब, इसमें हमारी क्या बनती है? शास्त्रों के जो अर्थ हमें बताए गए थे, हमने तो लोगों को वही बताया है। जब आपको पता है कि ये पूरा सच नहीं है, तो अधूरा सच आप लोगों को बताते ही क्यों है? पूरा सच सुनना कौन चाहता है वकील साहब? क्या लोग ये नहीं जानते कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फले सुखदायकं? अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। फिर लोग उल्टा कर्म करके सीधे फल की चाहत क्यों रखते हैं? और जब उन्हें सीधा फल नहीं मिल पाता तो लोग हमारे पास आते हैं कि हम उन्हें सीधा फल दिलवा दें। तो आप उन्हें दिलवा देते हैं या नहीं? लेकिन लेकिन आस तो बंधाई देते हैं, यानी कि झूठी आस। यस सर, अगर ये लोग झूठी आस नहीं बंधवाएं तो लोग इनके पास आना बंद कर देंगे। उन लोगों ने इनके पास आना बंद कर दिया तो लाखों करोड़ों रुपए के एम्पायर नुमा आश्रम बंद नहीं हो जाएंगे, क्यों बाबा जी? लेकिन वकील साहब, हम तो हजारों लोगों की आस बंधवाते हैं, पर उनमें से दो चार लोगों की आस भाई दबे संजोग से पूरी हो जाती है, और वो इसका श्रेय हमें दे देते हैं और हमारे भक्त बन जाते हैं, और फिर अपने ही जैसे कई सारे लोगों को हमारा भक्त बना देते हैं। तो आप मानते हैं कि आप लोगों को झूठी आस बंधा कर भ्रमित करते हैं? वकील साहब, हमारा तो काम ये है। क्या आपको भी ये सच नहीं मालूम कि ऐसा उल्टा कर्म करके सीधा फल आपको मिलेगा कैसे? बोलिए, क्या आपको भी ये सच नहीं मालूम कि ऐसा उल्टा कर्म करके सीधा फल आपको मिलेगा कैसे? ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। नहीं वकील साहब, नहीं। सरकारी वकील साहब, हाँ मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं। मुझे कोई हक नहीं बनता बिना पूरी जानकारी हासिल किए किसी को गुमराह करने का, धर्म और शास्त्रों की व्याख्या अपने तरीके से करने का, फिर चाहे वो सही थी या गलत, पूरा सत्य था या अर्ध सत्य। हमने कभी उसे कर्क की कसौटी पर परखने की कोशिश की, कभी हमने ये जानने समझने की कोशिश नहीं की कि हमारे द्वारा की गई धर्म और शास्त्रों की व्याख्या का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। वकील साहब बिल्कुल ठीक है, हम जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं उस लापरवाह मानसिकता की, जिसकी वजह से आज हमारा देश सड़क हादसों में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया, जब तक हमें किसी भी बात की पूरी जानकारी हासिल ना हो, हम उसे समझ और परख ना लें,
हमें किसी के सामने उसका व्याख्यान और प्रवचन नहीं देना चाहिए। नहीं। That's all, my lord. अब जबकि इन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है, ये स्वयं तय करेंगे कि क्या सजा मिलनी चाहिए। दरअसल इन्हें यह समझ में आ गया है कि इन्होंने क्या गलती की है। अब यही बेहतर बता सकते हैं कि गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि अदालत अपराधी को नहीं अपराध को खत्म करने के लिए होती है। वाह, जज साहब ने कमाल की बात कही, तो मजा आ गया, वाकई अनूठा खेल है तो। लिहाजा अदालत इन्हें सजा भुगतने के लिए आजाद करती है। आजाद करती है, वाह, का अदालत है जहाँ सजा भुगतने का जाए आजाद करो जाता, मजा आएगा साहब, मजा आएगा। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई सर, क्या इन जैसे बाबाओं की समझाने से दुर्घटना होना बंद हो जाएंगी? हाँ वकील साहब, अभी आपने असली अपराधी नहीं पकड़ा है, आपने ये तो साबित कर दिया कि ये लापरवाह सोच जिम्मेदार हो सकती है सड़क हादसों के लिए, लेकिन यही एक वजह नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। अरे साहब, सड़क पे तो जहाँ देखो वहाँ ही बड़ा बुरा हाल है, नियम तोड़ के चलवो तो साहब, शान है वो आजकल। और यूथ को तो परवाह ही नहीं है जिंदगी की। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन 60-65% मौतें 15-45 वर्ष के लोगों की होती है, यानी हर साल तकरीबन 90,000 युवा बेमौत मारे जाते हैं। हाँ, और मजेदार बात यह है कि ये आंकड़े भी एक युवा ही बता रहा है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप चले उस यंग मैन से जिसने स्टडी की होगी उसे ही तो बात पता होगी ना। हाँ, लेकिन जब इतना कुछ पता है तो फिर इतने ज्यादा, मतलब कि हर साल 90,000 युवक सड़क पे क्यों मारे जा रहे हैं? हाँ, तो ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कितने महीने थे तुम बिस्तर पर? जी वो कैसे हुआ था वो एक्सीडेंट? मगर आपको कैसे पता? हर साल जितने युवा रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा घायल होते हैं। इस रेशो के हिसाब से हर तीसरा युवा किसी न किसी एक्सीडेंट का शिकार हो चुका है। इनके साथ भी यही हुआ होगा। हाँ, पर मेरी किसी से टक्कर नहीं हुई थी। तो क्या हुआ था? वो तो बस गाड़ी स्किड हो गई थी। स्किड हो गई थी गाड़ी? क्यों? वो थोड़ा तेज चला रहा था तो टर्न किया, हो गई स्किड। अरे भाई, तो तेज चलाते क्यों इतना? तुमको मालूम है ना, टू व्हीलर्स की मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। एक्सक्यूज मी सर, मेरी गाड़ी फोर्थ की स्पीड पर थर्ड गियर मांगती है। ओह, और फोर्थ गियर में तो 60 की स्पीड पर जाती है। नहीं नहीं नहीं, सड़क पर किसी लड़की को देखकर स्टाइल मार रहे हो। आप शायद कंक्रीट वगैरह होंगी वहां पे? शायद या पक्का? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मतलब तुम सड़क ठीक से देखकर भी नहीं चलते हो कि वह कंक्रीट है, बजरी है, क्या है, गड्ढा है, और अपनी गलती समझ में नहीं आती और मानते भी नहीं हो। हाँ तो सर, मैं अक्सर ऐसी गाड़ी चलाया करता था, उसी दिन हुआ बस ऐसा। उसी दिन ऐसा हुआ, मतलब हमेशा ऐसी तेज चलाते थे? हाँ, तो उसमें मैंने कौन सी गलती कर दी? वाह भाई वाह, वाह, इतनी तेज स्पीड में लहराते हुए बाइक चलाना ये गलती नहीं है, और ऐसी गलती लगातार करते रहने पर भी तुमको कोई हादसा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, तो तुमने उसको ग्रांटेड ले लिया कि ये सब तो इससे कुछ नहीं होता, कितना भी तेज चला। ये तो साहब, आजमा भी नुस्खे पे आदमी भरोसा ही करते हैं। इन्नो कर लो। हां, यही तो कमी कर लो चाहे ठेकेदार जी, ये कोई दवाई का नुस्खा नहीं है जिसमें हर चीज नाप तोल कर सही मात्रा में मिलाई जाती हो। बिल्कुल, एक ही गलती लगातार करते रहने पर वो आदत बन जाती है और फिर आदमी को समझ में नहीं आता कि कोई गलती है, वो मानने को तैयार नहीं होता, और एक सेकंड की गलती सड़क पर जान चली जाती है, उसको फिर पछताने का मौका भी नहीं मिलता। नौजवान, सड़क पर एक गलती करने के लिए पूरी फैमिली को उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए माँ बाप दिन रात एक कर देते हैं, और सड़क पर की गई एक गलती सारे अरमानों पर पानी फेर देती है। गलती करते वक्त एक बार भी तुम्हें अपने परिवार का ख्याल नहीं आता? एक तो आधुनिक युग की तेज गति और ऊपर से युवा जोश, सड़क पर नियंत्रण रहेगा कैसे? हाँ साहब, आजकल के युवा तो सारा जोश सड़क पर ही दिखाते हैं। आप बताइए कहाँ दिखाएं? अब हमें उनका बताएं साहब। ऐसा है, किस जमाने की बातें कर रहे हैं आप? पढ़ाई में दिखाएं, खेल के में? अरे आजकल के बच्चों पर पढ़ाई का इतना बोझ है
कि माँ बाप उन्हें खेलने ही नहीं देते, और अगर बच्चा खेलना चाहे कहाँ खेले, क्योंकि शहर की किसी कॉलोनी में न कोई खेलने का मैदान है न कोई जगह बची। मगर इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है मैडम कि पढ़ते हुए बच्चे में आप और हमसे ज्यादा ऊर्जा का संचार होता है, और ये ऊर्जा का संचार ही उसके व्यक्तित्व का विकास करता है, और खेलकूद इस ऊर्जा को संतुलित करता है। अगर खेलकूद नहीं होगा तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ेगा, और ऊर्जा का संतुलन बिगड़ेगा तो इसका परिणाम कहीं तो दिखेगा नहीं। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी कि छोटी उम्र में उन्हें बाइक दे दो, स्कूटर दे दो, अरे भाई उन्हें साइकिल लेकर दो, पैदल चलने की आदत डल रहा हूं। अरे किस जमाने की बातें कर रहे हैं वकील साहब आप, आजकल की सड़कें साइकिल चलाने और पैदल चलाने लायक रही है क्या? फुटपाथ या तो सड़कों में समा गए या दुकानों में, सड़कें वो तो कारों के लिए कम पड़ने लगी। ऐसी सड़क पर साइकिल चलाना या पैदल चलना सर्कस में कर्तव्य करने जैसा है। और आप जानते हैं कि आजकल के बच्चों को घर से स्कूल कॉलेज या ट्यूटोरियल सेंटर जाने में औसतन रोजाना कितने किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है, वक्त नहीं होता उनके पास, ऐसे में वो साइकिल चलाने या पैदल चलने की सोच भी नहीं सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे हम माँ बाप की भी मजबूरी होती है ये साइकिल वगैरह लेकर देने की। और दुर्भाग्य से मेरे काबिल दोस्त, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसे पढ़कर या समझकर हमारी युवा शक्ति को सही दिशा जोश मिल सके। न तो ट्रैफिक सेंस के पाठ पढ़ाए जाते हैं, न सिविक सेंस के, यहाँ तक कि घायल को फर्स्ट एड कैसे दी जाती है इस बात की भी कोई शिक्षा नहीं दी जाती। पर माफ करना, आप युवाओं की बातें कर रहे हैं, आप और हम जैसे पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों में भी कितना ट्रैफिक सेंस और सिविक सेंस है इस बात का नमूना रोजाना सड़कों पर देखने को मिलता है। वाह भाई वाह, मान गए मेरे काबिल दोस्त, आज सब छा गए। कमाल की बातें बताइए आप। नहीं नहीं वकील साहब, छाने की उम्र अब हमारी नहीं रही। छाने की उम्र तो अब इन युवाओं की है, बशर्ते ये अपना जोश और ताकत सड़क पर न दिखाए बल्कि देश की तरक्की के लिए दिखाए तो ही कुछ सुधार संभव है। वाकई ये हालात तो बदलने ही चाहिए। बदलेगा इन हालातों को भाई, सुधारेगा इस व्यवस्था को, और फिर मेरे अकेले करने से क्या होता है? और कौन झंझट में पड़े भाई, दुनिया जाए। वकील साहब मैं वही कह रहा हूँ जो ये सब लोग सोच रहे हैं। देखिए गुलामी से आजादी सबको चाहिए, पर भगत सिंह मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। कानून सो रहा है, अरे जिसे इंसाफ चाहिए वही सो रहे हैं, तो कानून क्या करेगा? कानून अपने आप में कोई कुछ नहीं है, कानून कोई व्यक्ति नहीं है, कानून किताब में लिखे हरफ हैं जिन्हें गवाहों और सबूतों की रोशनी में ही पढ़ा जा सकता है। बाकी साहब कानून अपने आप में कुछ नहीं है, उसे चलाना, उसे साबित करना पड़ता है। और तलाशी देखिए, कानून से सहायता सबको चाहिए पर कानून की सहायता कोई नहीं करना चाहता। अरे साहब, पर आपके कानून को डंडो ही भेदभाव करवे लगे तो फिर कानून की सहायता कौन करे? मॉडर्न टेक्नोलॉजी कानून की हेल्प कर सकती है, मगर हम लोग उसकी हेल्प लेना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक, आने वाले समय में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था को ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही ठीक कर सकती है। वो कैसे? अरे लगा दीजिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरा, जरा सा किसी ने कानून तोड़ा और चालान कटकर पहुंच जाए घर पर, फिर देखिए अब क्या होता है। क्या बात है, वाह। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मुद्दे पर तो वापस आओ ना। अरे अगला आरोपी कौन है? अब भाई ये तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पंडित ही बता सकते हैं। बताओ बताओ गूगल बॉय, तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्या करता है? देखिए जो इंडिया में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट ट्रक और लॉरी की वजह से होते हैं। अरे यार ट्रक वालों की तो बात ही मत करो, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है, चलाते हैं जैसे कोई साक्षात लंबो भी चला रहा हो। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से 17.5% दुर्घटनाएं ट्रक और लॉरी की वजह से होती है। ये ट्रक वाले तो आम आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। अरे ऐसा ना है साहब, अरे वो इंसान होते हैं, अब 12-18 घंटा कोई इतना भारी ट्रक चलाओ तो उनको बार दुर्घटना है जाता है। हर बार ये जरूरी ना है कि ट्रक वाले की ही गलती, पर हमारे देश में तो साहब हर बार बड़े वाहन की गलती मान ली जाती। तो जनाब फिर सबसे ज्यादा मौतें ट्रक एक्सीडेंट से ही क्यों होती हैं? आरोपी हाजिर हो।
और ये अगला आरोपी है कौन? हाँ तो ठेकेदार साहब, आप भी तो पहले ट्रक चलाया करते थे। पर कैसे पता साहब? अभी आप ट्रक ड्राइवरों का पक्ष जो ले रहे थे। अरे पर साहब ट्रक ड्राइवरी तो हमने कब की छोड़ दी। अरे अरे जो कुछ कहना है कटघरे में आके कहिए। अरे पर साहब हम तो, अरे आप चिंता मत कीजिए मैं आपके साथ हूँ। हाँ तो ट्रक ड्राइवर साहब आप पहले जब ट्रक चलाया करते थे तो गाड़ी ओवरलोड करके क्यों चलाते थे? साहब जाम है तो हम क्या करें, अब ये तो हमने सेठ जी के कहने पर करना पड़ता है। अच्छा हाँ साहब, ये ट्रक ओवरलोड करके चलाने में परेशानी नहीं होती? हाँ साहब होता है, अब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है जाता है और थकान ज्यादा हो गया। कितने घंटे चलाते हो ट्रक? साहब देखो ये तो कहूँ हिसाब ना रखो, हाँ जब ज्यादा थक जाए ठीक ठाक जगह देख लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करके थकान निकाल लेते हैं। और ये ठीक ठाक जगह नहीं मिली तो फिर कच्चू लगा लेते साहब थकान तारे पार। ये नशा करके गाड़ी चलाना क्या आसान हो जाता है? आसान मैं मतलब है साहब, पहले तो मैं ऐसा लगता हूँ कि नशा कर भी तो गाड़ी ठीक चलता है। एक बार गड़बड़ है भैया, क्या गाड़ी फूट गई है? गाड़ी तो हमेशा की तरह ही ओवरलोड है, पर बाद में पता नहीं नशा ज्यादा है वो कि थकान ज्यादा है वो कहे कि ओवरटेक कर भी नहीं होड़ लग गई, पर जो कछुआ साहब टक्कर तगड़ी है गई। फिर क्या हुआ? ऐसा अमन ने तो चोट कमी लगी, अब बड़ी गाड़ी है लोग यही तो फायदा। और सामने वाले के की तो बुरी तरह बच गई साहब, गाड़ी को कबाड़ो है वो। पर भाई सेठ जी ने भाई को एक बात अच्छी तरह समझा रहे थे, लल्लू कलम का जू ऐसा है जाए गाड़ी तुरंत छोड़ के वहां से बाहर निकल, तो बंदे निकल लिए साहब। बाद में कुछ पता चला? हाँ साहब पता चलो, पूरा का पूरा परिवार खत्म है वो साहब आए एक्सीडेंट, बस वो 5-6 साल की एक बच्ची बची साहब, बाकी चीख हाजू हमारे कानन में गूंजते रहते साहब। फिर क्या हुआ? फिर साहब हमारे सेठ जी ने सारा मामला रफा दफा करवा दिया, थाने में हाजिरी नहीं जमानत है नहीं, और कितने ट्रक चला गए। हाँ पर थोड़े से ना डर लगो, बाद में साहब सब नॉर्मल है वो साहब। ये लॉन्ग रूट पे तो दो ड्राइवर होते हैं ना, ये दूसरे से गाड़ी क्यों नहीं चलवाई तुमने? साहब तन हम का ड्राइवर है, पास लाइसेंस तो है पर गाड़ी वाड़ी चलानी ना सफर। ऐसा कैसे हो सकता है? लॉन्ग रूट पे हेवी व्हीकल्स चलाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है और उसमें ट्रेनिंग देते हैं और उसमें से सब कुछ सिखाते हैं। कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहे हो साहब? ऐसे सर्टिफिकेट तो वो आरटीओ डीटीओ के पास सरेआम दिखते हैं साहब, चाहिए साहब हम ला के देते। ड्राइविंग स्कूल वाले सारा दिन वही तो घूमते रहते। ये गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही थी तुम्हारी? आजाद देवा हाईवे पे तो 80-90-100 पे ही गाड़ी चलते है। स्पीड गवर्नर नहीं लगे? स्पीड गवर्नर हाँ। वो काय का है साहब? अरे कमाल करते हो यार, हाई कोर्ट का निर्देश है कि सभी हेवी व्हीकल्स में स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी है वरना चालान हो जाता है। चालान हो जाता है क्या बात कर रहे हैं साहब, ऐसा अगर रोज रोज चालान बढ़ते रहे तो फिर कर लियो धंधो। ये साहब जो टाइम आ रहे है ना अपाई आदमी है, मंथली जाते साहब सब चलते साहब, गाड़ी ओवरलोड हो ऐसे में हो अब क्या कहते ना स्पीड गवर्नर वो ना हो ना ऐसी छोटी मोटी बात सब चलते हैं। ये छोटी मोटी बात है, ये इन बातों की वजह से पहले भी तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था ना? ये साहब पर ये तो रोज रोज होते रहता तो छोटी मोटी है ही ना साहब। इन्हीं बातों की वजह से एक पूरा परिवार खत्म हो गया और तुम कहते हो छोटी मोटी बात है। अरे हद्दे इन ट्रक ड्राइवर्स, इन पर तो कदम से केस चलना चाहिए। मैं तुम्हारे परिवार के संग ऐसा होता तो तुम्हें जरूर पता चलता। आप ठीक कहते हैं, हमारे परिवार के संग ऐसा होता, हमारे परिवार के संग भी ऐसा ही है, हमारी जैसा एक ट्रक ड्राइवर हो जाकी गाड़ी टकराई और
भाई 5-6 महीना पहले ही तो हमारी बहन की शादी यही बात घर में और उन्हीं की गाड़ी पूरा का पूरा परिवार खत्म है वो सब जिंदगी बर्बाद है साहब हमारी बहन अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने के बाद हमारी समझ में आया अगर कहूं के संग ऐसी दुर्घटना होता तो बाकी परिवार पर का बीतते और हमने ट्रक ड्राइवर ही छोड़ दे बस आप एक बात बताए जावे हम अकेले दोषी ना है चाहे भाई मजबूरी समझ लो या जरूरत जाके आगे हार के हमने एक गलती करी हम मानते हैं कि हमने गलती करी है जानबूझ के कुछ ना करो साहब हम मजबूर है साहब मजबूर इनकी इस गलती का जिम्मेदार कौन है कौन नहीं जैसा पूछिए कौन कौन है बहुत लंबी लिस्ट है जैसा उन सभी को खत्म के केस का आरोपी बनाया जाए आरोपी हाजिर हो अरे तब फिर ट्रक ड्राइवरी को ट्रक और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक पे भी चलना चाहिए कत्ल को केस क्योंकि वो ही ड्राइवर है मजबूर करे 12-18 घंटा ट्रक चलाए वे काजे वही ड्राइवर है मजबूर करे ओवरलोड करवे काजे आरोपी हाजिर हो कत्ल का केस तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी चलना चाहिए जो चंद रुपयों की रिश्वत के लालच में सारे नियम ताक पर रख देते आरोपी हाजिर हो कत्ल का केस तो उन ड्राइविंग उसको मालूम भी चलना चाहिए जो चंद रुपयों के लालच में हर किसी को ट्रेन ड्राइवर का सर्टिफिकेट दे देते हैं फिर भले ही वो ट्रेन सर्टिफिकेट वाला अनट्रेन ड्राइवर सड़कों पर मौत पिछाता फिरे रेवड़ी की तरह ड्राइविंग लाइसेंस बांटने वाले कर्मचारी अधिकारी और दलालों की क्या कम जिम्मेदारी है आरोपी हाजिर हो इन ऑटोमोबाइल कंपनियों का क्या जो आए दिन आधुनिक तकनीक के नए नए वाहन ईजाद करते हैं उनकी तेज गति ग्लैमराइज करते विज्ञापन करते हैं बिना ये जाने कि खरीदने वाला उस वाहन को चलाने के लायक है या नहीं फिर भी बेच देते हैं कौन पास करता है ने? कौन बनाता है ऐसी पॉलिसियां क्या उन सभी पर केस नहीं चलना चाहिए आरोपी हाजिर हो खराब सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों को पता है क्या कि वो कितने मौतों के जिम्मेदार हैं जिस देश में सैकड़ों लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं और हजारों की संख्या में घायल हो जाते हैं उस देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में सड़क हादसे कम करने का मुद्दा शामिल नहीं होता है क्यों साहब उनके लिए वोट तो कीमती है पर वोट देने वाले की जान की कीमत नहीं है जिस देश में हर दिन 400 लोग असमय मौत का शिकार हो जाते फिर भी वहां की सरकार और प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता आरोपी हाजिर हो क्या उन सभी लोगों पर केस नहीं चलना चाहिए जो सड़क पर लापरवाही से चल रहे हैं हर उस व्यक्ति हर उस ड्राइवर पर केस क्यों नहीं चलना चाहिए जो सड़क पर घायल पड़े हुए व्यक्ति की मदद करने की बजाय वहां से आंखें चुराकर चल देते हैं अगर इन पंडित जी की बात को सही मान लिया जाए तो हर दिन 400 लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं यानी हर साल 1.5 लाख आत्माएं भटकने को मजबूर हो जाती है अगर इन भटकती आत्माओं ने आपसे अपनी मौत का हिसाब मांगना शुरू कर दिया तो अगर इन भटकती आत्माओं ने आपसे अपनी मौत का हिसाब मांगना शुरू कर दिया तो अगर इन भटकती आत्माओं ने आपसे अपनी मौत का हिसाब मांगना शुरू कर दिया तो मेरी और आपकी क्या दुश्मनी थी जो आपने थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली अरे आपने तो एक बार रुक कर ये देखने की भी जरूरत नहीं समझी कि आपने जिसको टक्कर मारी है उसकी क्या हालत है काश आपने मुझे सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा होता मैं अपने माता पिता का एक लौता सहारा था उनके सपनों का सूरज था मैं लेकिन
लेकिन आप लोगों की वजह से मेरे पूरे परिवार के जीवन में अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रह गया, अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रह गया, क्योंकि क्योंकि आपने ऐसा क्यों किया? अगर इन भटकती आत्माओं ने आपसे अपनी मौत का हिसाब मांगना शुरू कर दिया तो मैं तो पार्क की सैर करके बाहर निकला ही था, कुछ ही सेकंड्स में पता चला कि मेरी आत्मा और शरीर अलग हो चुके। शास्त्रीय सेवाओं की 34 साल की नौकरी में मैंने तो आपके भले के लिए ही कार्य किए, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? शायद कई सालों तक सक्षम पदों पर रहने के बाद भी मैंने इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं, इसीलिए शायद मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था और मैं अकेला क्या कर सकता था? जब तक के सत्ता में बैठे ये लोग न चाहें, मैं क्या कर सकता था? अगर इन भटकती आत्माओं ने आपसे अपनी मौत का हिसाब मांगना शुरू कर दिया तो मुझे तो इस सत्ता में आने का मौका अभी तो मिला। अभी कुछ समय पहले ही तो मैंने मंत्री पद की शपथ ली थी। मुझे कुछ तो समय दिया होता ताकि मैं कुछ कर पाता अच्छे दिन बिताने के। मुझे बहुत घमंड था कि मैं इस देश का बहुत बड़ा मंत्री, मेरी सुरक्षा के लिए बहुत बड़े इंतजाम, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर चंद लम्हों में सब कुछ खत्म। मुझे यहां आकर मालूम चला कि हादसा बड़े और छोटे में कोई फर्क नहीं, मौत अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं, सरकार और मीडिया में भी 4 दिन बहुत हल्ला मचा, लेकिन सब धीरे धीरे धीरे। पर क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि अगला नंबर आपका नहीं होगा? अगर इन भटकती आत्माओं ने आपसे अपनी मौत का हिसाब मांगना शुरू कर दिया तो अभी कुछ देर पहले ही तो घर से निकला था मेरा बेटा, कुछ देर बाद ही फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वहां जाकर के देखा तो नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो गबरू जवान था, चांद सा चेहरा था उसका, मगर वहां जो था वो तो बहुत विभत्स था, चेहरा बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा था, आंखें बाहर निकली हुई थी, वो खूबसूरत आंखें जिसमें हमारे परिवार के सपने बसते थे, चेहरे के दाम पे बेटा था या मांस का लोटड़ा, मेरे लाल कहाँ है तू? तुझे ढूंढते हुए मैं इस लोक पे भी आ गई, मेरी लाल, काश काश कि उस दिन वो हेलमेट पहन करके गया होता, कोई मेरा बच्चा मुझे लौटा, कोई मेरा बच्चा मुझे लौटा, कोई मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। हादसा कोई होता है जो कहीं तो होती है, जब लहू कहीं बिखरता है तब माँ तड़प कर रोती है, जब अपना कोई पिछड़ता है तब पीर बहुत ही होती, जब दर्द हद से बढ़ जाता है चीख अंदर से निकलती है, बहुत बढ़ गया है चीत्कार, अब हालात बदलने हैं, बहुत बढ़ गया है चीत्कार, अब हालात बदलने हैं, अब हालात बदलने हैं।
अरे जिंदा कोट क्यों अल्लाह बचा रहे हैं आप लोग? इन्हें सुनाना चाहते हैं इन्हें? ये तो खुद सदियों से गहरी नींद में सोए हैं, बहुत सदियों से गहरी नींद। पहले इन्हें तो जगाओ। क्या ये लोग नहीं जानते कि सड़क हादसों में सैकड़ों लोग क्यों मारे जाते हैं? क्या ये लोग नहीं जानते कि सड़क हादसे में मरने वाला किसी ना किसी के घर का चिराग होता है? क्या ये लोग नहीं जानते कि सड़क हादसे में मरने वाला किसी ना किसी के कलेजे का टुकड़ा होता है? पर नहीं, इन्हें तो हर गली हर मोहल्ले हर चौराहे पर एक पुलिस वाला चाहिए जो डंडा लेकर इन्हें बताए, भाई हेलमेट पहन लो, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। भैया हेलमेट पहन लो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। भैया ये नियम अपना लो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। जब बड़े लोग ही गलत आचरण करेंगे तो बच्चों से कैसे अच्छे आचरण की उम्मीद रखेंगे? लिहाजा ये लोग खुद जिम्मेदार हैं अपने बच्चों की मौत के, ये लोग हातिल हैं अपने बच्चों के। आरोपी हाजिर हो। ये लोग खुद जिम्मेदार हैं अपने बच्चों की मौत के, ये लोग हातिल हैं अपने बच्चों के। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चों के साथ ऐसा कोई भी हादसा पेश आए, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आपने ना क्या चाहते? आपने अपने बेटे को मोटरसाइकिल लेकर दी, तब उसकी उम्र क्या थी? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपके बेटे की मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मौत हुई, तब उसकी उम्र कितनी थी? आपको कैसे पता? 16 साल 6 महीने और 21 दिन। आपने अपने बेटे को हाई स्पीड मोटरसाइकिल लेकर दी थी? तो इतने ही लोग लेकर देते हैं, तो मैंने भी ले दी। कितने ही लोगों के बच्चे हादसों का शिकार हो जाते हैं ये जानते हुए? क्या करता, उसकी जरूरत थी। जरूरतें तो और भी तरीकों से पूरी की जा सकती हैं। आप जानते थे कि नाबालिग उम्र में 16 साल की उम्र में ऐसी हाई स्पीड बाइक उसके लिए खतरनाक हो सकती है? बहुत मना किया, बेटों ने एक नहीं सुनी। क्या आपने ये देखने की कोशिश की कि आपका बेटा बाइक सही तरीके से चलाता है या नहीं? पर मैं उसे रोकता रहता हूँ। क्योंकि आपको डर था कि कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए? चिंता रहती ही है, फिर भी आपने ये समझने की कोशिश नहीं की कि आपका बेटा उसने अपने बाइक चलाने के तरीके में कुछ सुधार किया है या नहीं? तो नहीं, मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी। सब कुछ इतना आसान था कि कभी सोचना ही नहीं पड़ा। ऐसा था तो मार्केट में एक से एक एडवांस बाइक्स अवेलेबल थी। मैं जानता था कि मेरा बेटा बहुत खतरनाक तरीके से बाइक चलाता है, पर उस वक्त मैं उसे हीरो समझता था। मुझे लगता था मेरा बेटा किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं। मैं गलत था, मैं ही गलत था। लगता है वाकई हम ही लोग गलत थे। तक हम जिसे विधि का विधान मानकर अपने हम को तसल्ली दे रहे थे, वो विधि का विधान था या फिर हम लोगों की गलती? पर हमने अपना बच्चा खो दिया। हमने अपना बच्चा खो दिया। अदिति, बच्चे अदिति के बाद जब सोचता हूँ तो लगता है हमारी ही परवरिश में हमने अपने माँ बाप होने का फर्ज ठीक ढंग से नहीं निभाया। इसीलिए शायद वो हमें छोड़कर चला गया।
आप ठीक कहते हैं, हमारे बेटे के कातिल है, हमें भी सजा दीजिए, हम पर भी केस चलाइए, हम भी गुनहगार, सजा दीजिए हमें। आज जो सजा हम भुगत रहे हैं उससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? जवान बेटे की मौत से बड़ी सजा और हो भी नहीं सकती, नहीं हो सकती। अब हम क्या करें? शांत हो जाओ, जो दुख जो दर्द हमने झेले हैं उसे कोई और परिवार न झेले। हम क्या करें? आप सच कहते हैं, हमारे जैसे न जाने कितने परिवार होंगे, जब हम उनके घर की खुशियां और मुस्कुराहट बचा पाए शायद यही हमारे बेटे की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही श्रद्धांजलि होगी। ये तीनों कोई आत्मा या कोई फरिश्ते? कुछ कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ शैतान भी पैदा होता है। कुछ कहते हैं कि एक इंसान में तीन व्यक्ति होते हैं। कहीं ये तीनों हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा तो नहीं
जो हर काम को करने से पहले बहस करता है कि क्या सही है और क्या गलत, और फिर फैसला करता है कि क्या करना चाहिए। अब ये फैसला आप लोगों को करना है कि आपके अंदर का इंसान जीतेगा या शैतान। तो ये था नाटक आरोपी हाजिर हो। आइए मैं आपको